साहब भी आपके बीच में, हम भी आपके बीच में, सुबह से हैं, आपकी बात भी करेंगे, आप लोग सीओ साहब भी बात करेंगे आपसे, एक मिनट शांत रहिएगा, आप बात कर लीजिए, सभी लोग शांत सुने और आप लोग सुनिए, भाई देखो मैं भी आप ही के बीच का हूँ और ये सारा फोर्स आपके बीच का है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके मन में दिल ना हो, आप ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये सारी चीजें जो भी हुई हमें भी खराब लगी है, हम ये कतई नहीं कह रहे कि हमें अच्छी लगी है या हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून कायदे से हर चीज होगी, मैंने आप लोगों की जन भावनाओं को समझ रहा हूं और आप हमारी भावनाओं को भी समझिए, हम आपसे अलग नहीं है, लेकिन अगर एक आदमी उधर चिल्लाएगा, एक आदमी उधर चिल्लाएगा, एक आदमी कहेगा ऐसा कर दो, दूसरा कहेगा वैसा कर दो, तो ऐसा थोड़ी होता है, किस किस से बात करेंगे, इसीलिए ये जन भावना की जो बात है उसके अनुरूप हम लोग यहां सुबह से खड़े हैं, पहले दिन से हम उसकी डेड बॉडी के साथ हम ही थे, हम भी थे साहब, आप भी रहे होंगे, हम कब मना कर रहे हैं, हम ये कह ही नहीं रहे, कि हम आपसे आगे, मैंने कहा हम साथ में हैं, आप हमसे आगे होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन हम भी साथ में हैं, मेरा कहने का आशय केवल इतना है कि ऐसा नहीं कि हमें खराब नहीं लग रहा, जिसने ये पोल डाली है उसके खिलाफ आपकी भावनाओं के अनुरूप मैं मुकदमा भी कायम कराऊंगा और उसकी तफ्तीश एसओ से ऊपर इंस्पेक्टर रैंक से कराऊंगा, करवाऊंगा, कब करेंगे, कब तक ये बताओ करेंगे, कब तक आप अभी जितनी देर में मुकदमा कायम होता है एक से डेढ़ घंटा, देखो FIR लिखने में टाइम लगता है, आज जब कह दिया भाई ऐसा थोड़ी होता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि मुकदमा कायम हो रहा तो हो रहा है, मैंने कहा कॉपी मिलेगी तो मिलेगी, और मैंने कहा कि इसकी तफ्तीश इंस्पेक्टर साहब करेंगे, ऐसा भी नहीं करेगा, दरोगा भी नहीं करेगा, तो करेंगे और इसमें न्याय मिलेगा, भैया बताओ और कोई बात हो तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से, एविडेंस हम दे रहे हैं आपको, तो आप लोग चिल्ला लीजिए, अभी एक हाथ से दूसरा कहने लगेगा उसे फांसी में लटका दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है, अरे एविडेंस कलेक्ट करेंगे, इसीलिए इंस्पेक्टर एक आदमी तफ्तीश करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, एविडेंस उसमें डॉक्यूमेंट होती है, उसके बाद उसको अरेस्टिंग होगी तो अरेस्टिंग होगी, एक कमेटी बनी है जो इन अलग से, ये तो तफ्तीश की बात हो गई, अलग से भी एक कमेटी बनाई है डीएम साहब ने, जो एसडीएम साहब और सारी टीम है राजस्व की, पुलिस की, वन विभाग की, वो भी इसी संबंध में अलग अलग जांच कर रही है, ऐसा नहीं है, एविडेंस एविडेंस के साथ साथ हमारी भावना भी वही है, अब हम मुंह से बोलेंगे नहीं, ठीक है, उस पर हम अपने जो लॉयर हमारे विभाग के होते हैं उनको बिठा करके विधि की राय ली जाएगी और जो ज्यादा से ज्यादा होगा वो उसमें चला जाएगा।